बीजेपी और बजरंग दल के बीच भाई भाई का रिश्ता माना जाता है। विपक्ष की माने तो बीजेपी कुछ क्षेत्रों में चुनाव बजरंग दल के सहारे ही जीतती है, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा है, जो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। यहाँ विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ ही महीने बाकी है, लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी होती जा रही है। दरअसल बात इंदौर की करें तो यहाँ पालासिया थाना क्षेत्र में थाने पर प्रदर्शन कर रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठ गए। वहीं आरोप है कि वे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने उन पर जबरदस्ती हिंसा का प्रयोग किया। वहीं नगर बीजेपी अध्यक्ष कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए जेल पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की है। वैसे बता दें कि विवाद यही नहीं थमा, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर सवाल उठाने भी शुरू कर दिए हैं। तो पुलिस ने कहा कि संगठन के कार्यकर्ता बिना सूचना के प्रदर्शन कर रहे थे, ट्रैफिक जाम हो गया था, पुलिस ने उन्हें समझाया लेकिन वे नहीं माने, फिर हल्का बल का प्रयोग किया गया। इस दौरान कुछ पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच विवाद हुआ। दरअसल बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता नशे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पलसिया थाना पहुंचे, सड़क पर बैठकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी थी। वहीं जाम लगने लगा, पुलिस ने कई बार समझाने का प्रयास किया लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने, आखिरकार पुलिस ने लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इलाके में पबों में देर रात तक नशाखोरी चलती रहती है, कार्यकर्ता पबों के खिलाफ पुलिस को ज्ञापन देने थाने पहुंचे थे। वहीं पुलिस के लाठी चार्ज के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं की जमकर पिटाई की गई, इसके बाद उन्हें बस में बिठाकर ले जाया गया। वैसे ये मामला अभी शांत होने का नाम भी नहीं ले रहा, लेकिन बजरंग दल और पुलिस के बीच हुआ ये झड़प क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर कुछ असर छोड़ेगी? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें जनहित टाइम्स के साथ।